विद्यार्थियों आजे आपणे गुजरातीनी बीजी कविता हिंद माताने संबोधन करवाना छीए। हिंद माताने संबोधन ए एक प्रार्थना गीत छे। हालो आपणे जोईए हिंद माताने संबोधन। काव्य कवि मणिशंकर रतनजी भट्टे लखी छे, जेमनुं उपनाम छे कांत। तो हालो आपणे काव्यनी समजूती जोईए। ओ हिंद देव भूमि संतान सौ तमारा, करिए मणि ने वंदन स्वीकार जो अमारा। कवि कहे छे हे हिंद माता हे देव भूमि, अमे सौ तमारा संतान छीए, अमे सौ साथे मणि ने वंदन करिए छीए, अमारा वंदन स्वीकार जो। हिंदू अने मुसलमान विश्वासी पारसी जिन देवी समान रीते संतान सौ तमारा। कवि कहे छे त्रीजी अने चौथी पंक्ति मा के हे देवी आ भूमि मा वसनारा हिंदू होय मुसलमान होय ख्रिस्ती होय पारसी होय जैन वगैरे वगैरे जुदा जुदा धर्म पाड़ता लोको सौ समान रीते तमारा संतान छीए। हिंदू अने मुसलमान विश्वासी पारसी जिन देवी समान रीते संतान सौ तमारा। पोषो तमे सौने शुभ खान पान बक्षी, सेवा करे बने ते संतान सौ तमारा। हे माता अमे सौ तमारा संतान छीए, अने अमने सौने तमाय खान पान आपी अमारू पोषण करो। अमे सौ संतानो अमारा थी बनती तमारी बधी सेवा करीशू। हे देव भूमि हे हिंद माता अमारू बराबर थी पोषण करजो, सारू खान पान आपजो, अने अमे बधा तमारा संतान छीए। रोगी अने निरोगी निर्धन अने तवंगर ज्ञानी अने निरक्षर संतान सौ तमारा। जे रोगी छे निरोगी छे शारीरिक के मानसिक रीते जेवा पण छीए, गरीब छीए तवंगर छीए ज्ञानी छीए अज्ञानी छीए निरक्षर छीए, पण अमे सौ तमारा संतान छीए, अने तमारा संतान छीए एटले अमारू पोषण करजो। अमे कोई पण जातिना छीए कोई पण ज्ञातिना छीए, पण अमे तमारा संतान छीए। वाल्मीकि व्यास नानक मीरा कबीर तुलसी अकबर शिवाजी माता संतान सौ तमारा। मा मित्रों बाळ मित्रों तमे आ नाम सांभळ्या हशे, वाल्मीकि व्यास नानक मीरा कबीर तुलसी ए महान संतो छे आपणा देशना, जेमे मोटा मोटा पुस्तको अने मोटा मोटा पुस्तको अने वेदों लख्या छे, अने बधा हे माता अमे तमारा संतान छीए, ए बधा पण तमारा संतान छीए। सौनी समान माता सौए समान तेथी, ना उच्चनीय कोई संतान सौ तमारा। हे माता कोई पण होय व्यक्ति केवो पण होय व्यक्ति अमे बध्या तमारा संतान छीए, केम के अमे तमारा संतान छीए, माटे अमे समान छीए। तू सौनी समान माता छे, अमे तमारा संतान छीए एटले आपणे माताना जेटला पण संतानो होय એ માતા માટે સમાન જ હોઈએ, એટલે અમે બધા સંતાન છીએ। ચાહો બધા પરસ્પર સાહો બધા પરસ્પર, એ પ્રાર્થના કરે આ સંતાન સૌ તમારા। અને જેમ અમે સંતાન છીએ તમારા, તું એક જ અમારી માતા છીએ, એવી જ રીતે અમે સૌ તમારા સંતાનો આજે ભેગા મળીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમે સૌ એકબીજા સાથે પ્રેમપૂર્વક વ્યવહાર કરી એકબીજાને મદદ કરીશું। તો મિત્રો તમને આ કાવ્ય સમજણ પડી બેટા? જેને સમજણ ના પડી હોય એ અમને ફોન દ્વારા જાણ કરીને કહેજો। થેન્ક યુ।